हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी को। तो फ्रेंड्स, इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि जो स्टूडेंट इस बार जो उनका सेशन भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो उनका सेशन होगा 21 से 24, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग एडमिट कार्ड कैसे लोड करेंगे या कहां से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक करेंगे, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि इस वीडियो में पूरा प्रॉपर आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि जैसे कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अभी पार्ट वन का जो फॉर्म भराया था, अभी आपको 14 तक फ्रेंड्स पार्ट वन का फॉर्म भरने का डेट था, यानी कि आज तक लास्ट डेट था 14 तक। अभी हम फ्रेंड्स बता दें कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो कि 16 तक डेट निकाल के रखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स वो उनका जो लास्ट डेट था, उनका जो फाइन के साथ फॉर्म भराया था, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि उनका जो फॉर्म भराया था अब एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो जो कॉलेज अपना 13 तक उनका जो कि शो हो रहा था कि हाँ ये 13 तक ही लास्ट डेट है इनका, तो वो कॉलेज एडमिट कार्ड इशू कर चुका है। तो फ्रेंड्स हम एक मेरे पास एक एडमिट कार्ड है जैसे कि शो हो रहा है, हम ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरे सामने एक ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एक एडमिट कार्ड, जो कि हम फोटो और उनका कॉलेज नेम और उनका रोल नंबर थोड़ा हाइड कर चुके हैं क्योंकि कुछ प्राइवेसी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये इनका एडमिट कार्ड है। अब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे नाम शो हो रहा है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। ये यूजी है अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में जो पार्ट वन में एडमिशन लिए थे और उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है एग्जाम का, जो कि आपका शेड्यूल जारी पहले ही कर दिया जाएगा, सेंटर का लिस्ट पहले ही जारी कर चुका था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एग्जाम सेंटर जो होगा इनका डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर में इनका सेंटर है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ कॉन्वेंसमेंट यहाँ पे 18/10/2022 है। इसके बारे में कुछ विशेष समझने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे फिजिक्स है जो कि ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, और यहाँ पे सब्सिडरी हो जाएगा मैथ केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो कि कंपल्सरी होता है हिंदी MIL, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे पेपर नंबर, यहाँ पे पेपर वन पेपर टू यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि आपके पास एक जो सेंटर लिस्ट जारी किया गया था और वहाँ पे किस डेट को किसका एग्जाम है, तो इस पे एडमिट कार्ड पे ये नहीं शो होगा कि किसका एग्जाम किस डेट को है, तो वो आपको लोड करना होगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डाला हुआ है, वहां से आप लोड कर सकते हैं। तो वहां से आप वो सूची को लोड कर लीजिएगा कि कौन सा, जैसे कि फिजिक्स है तो इनका फिजिक्स किस डेट को है, तो उस लिस्ट में पहले ही वो जारी हो जाता है और था, जारी हो चुका था, तो वहां पे आप लोड करके समझ लीजिएगा कि फिजिक्स वाले का जो फिजिक्स ऑनर्स लिए होंगे उनका एक डेट होगा, उस डेट को वो जाकर एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम सेंटर यहाँ पे शो हो रहा होगा उनका, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसका शो होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स सब्सिडी जो कि मैथ है, अब फ्रेंड्स हम बता दें कि जैसे कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि समझ नहीं पाते हैं, मैथ अगर ऑनर्स पेपर है आपका तो उसका डेट अलग होगा, ठीक है, अगर सब्सिडरी है तो उसका डेट अलग होगा, ना कि आपका फिजिक्स है ऑनर्स पेपर और मैथ जिसका मेन ऑनर्स पेपर होगा तो उस डेट पे आप नहीं चले जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बखूबी, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो ये कन्फ्यूजन होना लाजमी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप इस वीडियो को अगर प्रॉपर देख लीजिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाला है। अगर अब भी कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान आपको वही कमेंट में आपको बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड शो होगा और मिलेगा। तो ये एडमिट कार्ड फ्रेंड्स हम बता दें ये नेट से लोड नहीं होगा, आपको अपने कॉलेजों में जाके एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा। तो बहुत ऐसे हैं कि जो कह रहे थे कि हमें एडमिट कार्ड लोड करना है, डाउनलोड करना है, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि आपको एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से ही प्राप्त होगा, आपको लोड नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।